दोस्तों, टेक्निकल पुरकैत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर इस वीडियो को आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करना ताकि हम आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना पाए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आप कैसे काइनमास्टर में मोबाइल फ्रेम ले सकते हो आपका वीडियो बनाने के लिए। हाउ आई टेक मोबाइल फ्रेम टू मेक माई वीडियोज। इफ़ यू चेक माई वीडियोज़ यू कैन फाइंड आई एम टेकिंग वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रेम इन माई videos, mobile frame in my videos. So let's go guys, how I take the mobile frame to make a video. Okay, so first of all, what you have to do is just open your KineMaster, download the KineMaster from the Play Store. If you don't have, you can download the KineMaster mod also, okay, from the Google. Just type KineMaster mod, you will download it, and it has no watermark, no write it on KineMaster logo here. So you can download from Google also, it always free, not a problem. You can download from Google, just go and write on Google KineMaster mod, you will find it. Okay, so I am opening KineMaster. Dosto, yahi hai KineMaster, to chalo open karta hu main. Project mein click karne ke baad empty project mein click karna hai, theek hai. सो अब क्या करना है, अब मीडिया ब्राउज़र में जाओ और बैकग्राउंड सिलेक्ट करो, जो बैकग्राउंड लेना है वही बैकग्राउंड सिलेक्ट कर दो। सपोज़ आप यहाँ पे एक इमेज लेना चाहते हो तो इमेज भी आप ले सकते हो, ठीक है, यहाँ से इमेज आप ले सकते हो। तो मैं इमेज नहीं लेना चाहता हूँ तो इसलिए मैं कर देता हूँ, और मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, मैं ये बैकग्राउंड ले लेता हूँ और इससे इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो आप क्या करना है, मोबाइल फ्रेम को सिलेक्ट करना है। तो आपका मोबाइल फ्रेम जहाँ पे है, यू कैन डाउनलोड मोबाइल फ्रेम फ्रॉम द गूगल। जस्ट राइट योर मोबाइल फ्रेम PNG एंड फ्रॉम गूगल यू कैन डाउनलोड इट, ओके। जस्ट राइट PNG, मोबाइल फ्रेम PNG, मोबाइल फ्रेम PNG लिख दो और गूगल पे जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो आप क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन है मेरा, मैंने डाउनलोड करके रखा था, यही है मोबाइल फ्रेम। तो देख लीजिए एक बार, अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए आपका जो रिक्वायर है। मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, अब यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। मैंने जिस टाइप का वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, अब देख लो कैसे मैं मोबाइल फ्रेम को वीडियो में ऐड करता हूँ। तो अब क्या करना है, लेयर में जाके आपका वीडियो फाइल लेना है, आपका वीडियो फाइल जहाँ पे है। तो मेरा जो मोबाइल का वीडियो फाइल था तो मैं ले लेता हूँ, देख लीजिए A to Z फ्री रही है इनकोडिंग, तो यही है, देख लीजिए एक बार। अब यही है वीडियो, तो मैं इसे और भी थोड़ा सा भरा लेता हूँ। तो एज आई नीड आई एम जस्ट लार्जिंग इट। तो अब इसको, इसे कुछ और दिख रहा है, जस्ट सिलेक्ट करो इसे एंड यहाँ पे 3 डॉट मिलेगा एंड सेंड टू बैक। तो देख लीजिए एक बार, सेंड टू बैक कर दिया मैंने। तो अब इसे क्या फ़ायदा, तो देख लीजिए, अब इसे आप सेट कर दो जैसे ही आप चाहते हो। तो देख लीजिए एक बार, यहाँ पे सिलियो है, मैं प्ले हो रहा है, मैं इस वीडियो को देखिए सब्सक्राइब हो गया, और जो बेल आइकन है, घंटा आइकन, वो भी दबा दिया, ठीक है। तो यही है, यही था वीडियो फाइल, मैंने इसे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ जिसके लिए नहीं होता। तो देख लीजिए एक बार, देख लीजिए एक बार, मोबाइल फ्रेम हो गए और वीडियो भी प्ले हो रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए, इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू हाउ टू मेक ए 3D मोबाइल फ्रेम इन KineMaster। सो सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट दिस टाइप्स ऑफ अपडेट, ओके। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू 3D मोबाइल फ्रेम, हाउ टू एड 3D मोबाइल फ्रेम। और अब एक और भी वीडियो आ रहा है, जो वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि मोबाइल फ्रेम के बिना आप इस जो फाइल, वीडियो फाइल है, इसे कैसे रोटेट करके बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनिमेशन आप दे सकते हो, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनिमेशन देख सकते हो। सपोज़ आपका चैनल जो है, वो चैनल का लोगो मैंने कैसे एनिमेट करता हूँ,
तो इसके बारे में और एक भी वीडियो आ रहा है, तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जो एनिमेशन का जो वीडियो है, आप सभी को ये सब एनिमेशन टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो गाइस उम्मीद है दोस्तों मेरे वीडियो पसंद आएगा, और इसे सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूल। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो मेहनत का फल है वो आपको लाइक से ही मिलता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लेके आता हूँ।